आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में FIR दर्ज। स्वाति मालीवाल ने दर्ज कराया बयान। दिल्ली के एम्स में स्वाति मालीवाल का कराया गया मेडिकल। शाम में स्वाति मालीवाल को एम्स लेकर पहुंची थी। स्वाति मालीवाल ने घटना को लेकर किया पोस्ट। लिखा, पिछले कुछ दिन बहुत कठिन रहे, इस वक्त स्वाति मालीवाल नहीं देश जरूरी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सीएम केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार को भेजा नोटिस, आज पेश होने के लिए बुलाया। स्वाति मालीवाल मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने केजरीवाल पर साधा निशाना। बोली, एक महिला के साथ बदसलूकी की गई लेकिन सीएम कुछ नहीं बोले। आज रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस की रैली। राहुल, प्रियंका, अखिलेश के साथ सोनिया गांधी हो सकती हैं शामिल। आज यूपी और महाराष्ट्र में पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां। यूपी के बाराबंकी, फतेहपुर और हमीरपुर में जनसभा। मुंबई साउथ सेंट्रल में लोगों को करेंगे संबोधित। गृहमंत्री अमित शाह का यूपी, ओडिशा और झारखंड में कार्यक्रम। यूपी के अमेठी, ओडिशा के सुंदरगढ़ में जनसभा को करेंगे संबोधित। रांची में करेंगे भव्य रोड शो। श्रीनगर के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह सुरक्षा समीक्षा बैठक की करेंगे अध्यक्षता। बीजेपी नेताओं से भी करेंगे मुलाकात। चुनाव को लेकर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने चेताया। बोली, 1987 की धांधली को दोबारा न दोहराया जाए। जमात इस्लामी पहले भी लड़ती थी चुनाव। जौनपुर की रैली से राहुल गांधी के खटाखट वाले बयान पर पीएम मोदी का तंज। कहा, 4 जून के बाद विपक्षी गठबंधन टूटकर बिखर जाएगा खटाखट। विपक्षी गठबंधन को लेकर पीएम मोदी की भविष्यवाणी, 4 जून के बाद बिखर जाएगा इंडिया गठबंधन और शहजादे विदेश घूमने निकल जाएंगे। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी ने की रैली। बीजेपी को धमकाया। बोली, आज नहीं तो कल बदला जरूर लूंगी। पीओके के मुसलमानों पर बोली महबूबा मुफ्ती। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, पहले यहां के मुसलमानों को अपनाना सीखें, बाद में पीओके के मुसलमानों की बात करें। पीएम मोदी के घुसपैठिए वाले बयान पर ओवैसी का प्रहार। पूछा, हिंदू महिलाओं से छीना गया मंगलसूत्र किसे दिया जाएगा। पूर्व कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने पीएम मोदी को बताया सबसे बड़ा सेक्युलर नेता। कहा, वो 140 करोड़ जनता की बात करते हैं। यूपी के सत्ता से हटाने को लेकर केजरीवाल के दावे पर सीएम योगी का जवाब। कहा, भ्रम में पड़ गई है केजरीवाल की बुद्धि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का केजरीवाल पर हमला। कहा, 1 जून को फिर जेल जाना है, फिर भी हमारे सीएम के बारे में कर रहे अनाप शनाप बयानबाजी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर प्रहार। पेपर लीक को लेकर साधा निशाना। कहा, पेपर लीक करने वालों का जनता चुनाव लीक करेगी। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार बोले, माफियाओं को चुनेंगे तो होगा नुकसान। अब्दुल कलाम आजाद को चुनने से सही दिशा में होगा काम। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में बीजेपी नेता ज्योति महतो पर हमला। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप। समाजवादी पार्टी की बागी विधायक मनोज पांडे बीजेपी में होंगे शामिल। रायबरेली में गृहमंत्री शाह की मौजूदगी में लेंगे सदस्यता। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग का मामला। मुंबई क्राइम ब्रांच ने हरपाल सिंह और मोहम्मद रफी को किया गिरफ्तार। फेसबुक के जरिए हुई थी दोनों की जान पहचान। लॉरेंस बिश्नोई से संबंधित था दोनों आरोपियों का अकाउंट। दुगुदारा और बिश्नोई के संपर्क में था हरपाल सिंह। चारधाम यात्रा में रील बनाने पर प्रतिबंध। मंदिर के 50 मीटर के दायरे में वीडियो रील बनाना बैन। मोबाइल रखने पर रोक नहीं। केदारनाथ धाम में भारी भीड़। हाईवे पर रोकी गई यात्रा। भीड़ कम होने के बाद शुरू होगी यात्रा। सीएम धामी ने चारधाम यात्रियों से की अपील। हेल्थ चेकअप कराने के बाद ही शुरू करें यात्रा। चमोली में नेशनल हाईवे पर 2 बसों के बीच टक्कर। हादसे में बाल बाल बची यात्रियों की जान। चारधाम यात्रा पर जा रहे थे सभी यात्री। मध्य प्रदेश के धार में भूतशाला में एसआई का सर्वे जारी। दोनों पक्षों ने किया खुदाई में तलवार निकलने का दावा। गाजियाबाद में बड़े ब्रांड के एक्सपायरी प्रोडक्ट के गोदाम में छापेमारी। भारी मात्रा में मिले एक्सपायरी चॉकलेट। जांच के लिए भेजे गए सैंपल। गुरुग्राम में गाड़ी चढ़ाकर हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार। ऋषभ जसूजा नाम युवक का जो युवक है उसकी गाड़ी से कुचलकर की थी हत्या। घाटकोपर होर्डिंग हादसा मामले में कार्रवाई। युगो कंपनी का मालिक भवेश भिड़े गिरफ्तार। उदयपुर से हुई गिरफ्तारी। हादसे में 16 लोगों की हुई थी मौत। ईडी के शेख शाहजहां और अन्य के खिलाफ कार्रवाई। 14 करोड़ रुपए की संपत्ति की जब्त। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी को दी है चुनौती। जमानत की मांग। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा धारा 19 के शर्तों का उल्लंघन होता है तो अदालत हस्तक्षेप कर सकती है। भारतीय वायुसेना को जुलाई तक मिलेगा फाइटर जेट LCA Mark 1। जुलाई महीने में HAL कर सकता है डिलीवरी।
कारगिल में भारतीय सेना ने लगाया मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल कैंप, 500 से ज्यादा स्थानीय निवासियों को मिला लाभ। मेघालय में भारतीय और फ्रांस की सेना का संयुक्त युद्ध अभ्यास जारी, साझा रणनीति और तकनीक का कर रहे अभ्यास। पश्चिम बंगाल के मालदा में आसमान से बरसी आफत, बिजली गिरने से 12 लोगों की दर्दनाक मौत, मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल। हैदराबाद में बदला मौसम, बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत, जगह जगह भरा पानी, सड़क पर रेंगती दिखी गाड़ियां। महाराष्ट्र के ठाणे समेत नवी मुंबई में कई जगहों पर हुई बारिश, मौसम हुआ सुहाना, तापमान में गिरावट दर्ज। केरल के तिरुवनंतपुरम शहर में कई जगहों पर झमाझम बारिश, भारी बारिश के कारण जलजमाव, तेज हवाओं के भी चलने की संभावना। गुजरात के डांग में तूफान का कहर, कई लोगों के घर हुए जमींदोज, लोग घर से बाहर रहने को मजबूर। राजस्थान में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी, 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान, लू का अलर्ट जारी। गुजरात के मोरबी में नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत, बचाव दल ने शव किए बरामद, नहाने गए थे सभी बच्चे। मनाली के होटल में बैग में मिला युवती का शव, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, बैग में लाश भरकर भागने की फिराक में था आरोपी। भारतीय तटरक्षक बलों ने 14 श्रीलंकाई मछुआरों को पकड़ा, भारतीय जल सीमा में अवैध रूप से पकड़ रहे थे मछली, 5 नाव भी जब्त। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में लंबे इंतजार के बाद शुरू हुआ रेलवे अंडर ब्रिज, 3 साल पहले शुरू हुआ था निर्माण कार्य। एमपी के हरदा में 4 स्कूलों पर लगा 2 लाख रुपए का जुर्माना, मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने पर कार्रवाई। अमृतसर में बीएसएफ ने मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन, ड्रोन के सीमा में घुसने की कोशिश को किया नाकाम। जालौन में फार्म से निकली चिंगारी की वजह से घर में लगी आग, घर में रखा सामान जलकर राख, स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। यूपी के फिरोजाबाद में कबाड़ के गोदाम में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, आग लगने की वजह का नहीं चला पता। जौनपुर में नशे में धुत कार चालक ने राह चलते लोगों को मारी टक्कर, हादसे में 4 लोग घायल, अस्पताल में चल रहा इलाज। आज मुंबई इंडियंस के सामने लखनऊ सुपर जॉयंट्स की चुनौती, वानखेड़े स्टेडियम में 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। प्लेऑफ की दौड़ से बाहर है मुंबई लखनऊ, लखनऊ के अंतिम 4 में पहुंचने की संभावना कम। सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस का मैच बारिश के कारण रद्द, दोनों कप्तानों से चर्चा कर लिया गया फैसला, दोनों टीमों को 1-1 अंक दिए गए। कल चेन्नई और बेंगलुरु के बीच होगा बड़ा मुकाबला, हारने वाली टीम होगी प्लेऑफ की रेस से बाहर। टी20 वर्ल्ड कप के लिए वार्म अप मुकाबलों की घोषणा, बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी टीम इंडिया। और पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय टेबल टेनिस टीम का चयन, 6 सदस्यों की टीम घोषित, शरद कमल और मनिका बत्रा को दी गई कमान। Z News.